सर मैं जैसे बिहार से बिलोंग करती हूँ, आई एम बीइंग ए गर्ल फ्रॉम बिहार, मैं एक उनके लिए इंस्पिरेशन बनना चाहती हूँ कि बिहार की लड़की के लिए आसान नहीं है कि छोटे शहर से दिल्ली आकर पढ़ना और जज बनना। तो मैं एक उनके लिए इंस्पिरेशन बनना चाहती हूँ कि वो भी मुझसे सीखेंगे कि हाँ आगे बढ़ना है, पढ़ना है और आगे अपने गोल को अचीव करना है, जुडिशरी नहीं अगर सिविल सर्विसेज एंड अदर एग्जाम्स को वो ले और आगे वो कंप्लीट करें। फादर ने मुझे बहुत उस टाइम पे सपोर्ट किया कि नहीं ये फेलियर एक पार्ट है सक्सेस का, वहाँ पे आपको स्टेप करना है, ये एक स्टेप है, आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, फेलियर को से रुकना नहीं है, उससे सीखना है और हमें आगे उससे सीख कर उस चीज़ को रिजॉल्व करना है, जो भी कमियाँ रहेगी हमें, जो हम जो डायग्राम बनाते हैं ना वो कहीं ना कहीं हमें याद हो जाती है और डायग्राम से रिलेट कर पाते हैं चीज़ों को आसानी से, वरना टेक्स्ट बुक को जो पढ़ते वो सब जगह थोड़ा रहता है कि चलो ठीक है वो सेम हमने लिख लिया, बस डायग्राम से रिकॉल करना बहुत आसान रहता है और हम उससे रिलेट भी कर पाते हैं, जैसे आपके सर लिंकिंग लॉ के चार्ट्स होते हैं वो भी बहुत बेनिफिशियल होते हैं। अच्छा सर मैं ये कहूँगी कि मेरी माँ एक मेरे लिए एक ढाल बनकर थी, वो सोसाइटी ये है कि अब एज हो जाती है लड़कियों की कि हाँ अब शादी करनी है, सोसाइटी का भी प्रेशर आता है, बट इन सब के लिए मेरी माँ हमेशा मेरे लिए ढाल रही थी, नहीं सुनना है तो मैं सोसाइटी क्या बोल रही है, क्या एज हो रही है लड़कियां ये वो, सोसाइटी का काम है बोलना, वो बोलेंगी, उनको सुनना नहीं है, तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें अपना गोल करना है, गोल जो है उस पर अचीव करना है, नहीं सुनना है तुम्हें ये सब। हेलो एंड नमस्कार, हाँ जी, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं धनसुख पालीवाल, लिंकिंग लॉज एंड एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एनर्जेटिक वेलकम। आज आपके बीच में एक ऐसी पर्सनैलिटी, एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसे व्यक्तित्व को लेकर आया हूं जिसने अपने जीवन के अंदर संघर्ष को हराया है। ध्यान से सुनना, अपनी लाइफ के संघर्ष को हराया है और अपनी उम्मीदों को, अपने विश्वास को, अपने जुनून को जिताया है। ओके, तो आज पूरी की पूरी कहानी सुनेंगे। बिहार जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन 2022 के अंदर जिन्होंने अपने सिलेक्शन को कंफर्म किया है, उन जज साहिबा से आज आपकी बातचीत कराने वाला हूं और सब कुछ जानेंगे। प्रिपरेशन का स्टाइल भी जानेंगे, उनके स्कूल की लाइफ भी जानेंगे, उनके कॉलेज की लाइफ के बारे में बातचीत करेंगे, उनका जो जनरल कैसा रहा है जर्नी वो भी समझेंगे, और प्रिपरेशन के दौरान उन्होंने खुद को कैसे मोटिवेट रखा, जब भी लाइफ का टफ टाइम आया तब उन्होंने खुद को किन चीजों से असिस्ट करवाया जानेंगे। तो हेयर आई एम वेलकम जज साहिबा प्रीति सिंह जी। सो लिंकिंग मुलाकात नए जजेस के साथ बिहार जुडिशरी के सेलेक्टेड कैंडिडेट्स। प्रीति जी, स्वागत है आपका। नमस्कार, नमस्कार सर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्रीति जी कहना, माफी चाहूंगा, मैंने कंटेप्ट कर दिया है, अब तो मुझे जज साहिबा ही कहना चाहिए। नहीं तो पता चला कि जिस सेक्शन 228 को हम बच्चों को पढ़ाते हैं कल हमारे पास उसका नोटिस आ जाएगा। ऐसा तो नहीं है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। चलिए, थैंक यू सो मच। देखो भाई, यही तो होता है आजकल के स्टूडेंट का बड़प्पन, है ना, जज बनने के बावजूद भी एकदम स्टूडेंट की शालीनता बना के रखते हैं। सो प्रीति जी, बहुत कुछ जानना है आपसे। सबसे पहले मैं उस 7 साल की लिंकिंग जानना चाहता हूं जिसकी जिसका कनेक्शन है आपकी लाइफ से। ये 7 साल वाला क्या फंडा था, क्या 7 साल का स्ट्रगल जो आपके साथ रहा, प्लीज जरूर बताएं। जी सर, मेरी LLB 2016 में कंप्लीट हुई, मैंने कैंपस लॉ सेंटर दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी LLB कंप्लीट की, तभी से मेरा जुडिशरी में इंटरेस्ट था, मैंने तभी 16 से ही अपनी जुडिशरी में प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, तो ये टाइम तभी से मैंने डिफरेंट स्टेट के एग्जाम्स दिए, ऑल्दो बिहार मेरा प्रायोरिटी स्टेट थी, मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ, इन बिटवीन मैंने अदर स्टेट बिहार यूपी झारखंड MP इनके मेंस दिए, इंटरव्यू मैंने बिहार और यूपी जुडिशरी के दिए हैं 2019 में, और अभी भी अभी मैंने बिहार का दिया और 2019 में यूपी जुडिशरी एंड बिहार जुडिशरी के इंटरव्यूज दिए मैंने, और ये टाइम बहुत ही, ये जर्नी तो मुझे पूरी जिंदगी याद रहेगी, तो मतलब जो ये हम आईपीसी वगैरह में पढ़ते हैं ना कि 7 साल का एक प्रोविजन होता है, जैसे सेक्शन 107 है, 7 साल, 108 है, 7 साल तक जो बंदा दिखाई ना दे उसको गायब समझ लो, है ना, 7 साल तक अगर आपने कोई अपराध किया तो शायद आपके ऊपर अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का मामला आ सकता है, 7 साल से ज्यादा का अपराध है तो पार्डन दी जा सकती है, 7 साल से कम का अपराध है तो प्ली बार्गेनिंग की जा सकती है। वैसे क्या वैसे 7 साल का स्ट्रगल आपकी लाइफ का पार्ट है जो बन गया। अच्छा, आपने बताया आप बिहार के नेटिव है, प्रॉपरली यस बेसिकली सर, बिहार से है, राइट?
और दिल्ली में आके जो है आपने अपनी प्रिपरेशन जो एक बार स्टार्ट किया था, और मतलब आपका काफी जो मोस्ट ऑफ टाइम है दिल्ली के अंदर गुजरा है, लेकिन आपके मन में चाहत थी कि मैं जज बनूं तो बिहार की। हालांकि आपने एग्जाम यूपी का भी दिया, आपने बताया कि आप इंटरव्यू भी फेस कर चुके हैं वगैरह, लेकिन आपके मन की जो चाहत थी वो बिहार की थी, क्या ये सही बात है? जी सर, बिहार से मेरे। तो हम सभी लोगों ने, देखो हम सब युवा लोगों ने एक मूवी के अंदर कहीं पे देखा था कि अपने आप में एक अलग तरीके का इमोशन अटैचमेंट होता है, तो इसलिए बंदा या बंदी जब भी कोशिश करता है कि वहीं पे जाना है। तो आपके इस इमोशनल अटैचमेंट के पीछे क्या रीजन है? मतलब माता पिताजी तो रीजन है ही, और तो कोई रीजन नहीं है यहाँ पर, हम मान लें ये। सर मैं जैसे बिहार से बिलोंग करती हूँ, आई एम बीइंग ए गर्ल फ्रॉम बिहार, मैं एक उनके लिए इंस्पिरेशन बनना चाहती हूँ कि बिहार की लड़की के लिए आसान नहीं है कि छोटे शहर से दिल्ली आकर पढ़ना और जज बनना। तो मैं एक उनके लिए इंस्पिरेशन बनना चाहती हूँ कि वो भी मुझसे सीखेंगे कि हाँ आगे बढ़ना है, पढ़ना है और आगे अपने गोल को अचीव करना है, जुडिशरी नहीं अगर सिविल सर्विसेज एंड अदर एग्जाम्स को वो ले और आगे वो कंप्लीट करें। नहीं, बाकी ये बहुत बड़ी बात आपने यहाँ पर कह दी है कि किसी के लिए इंस्पिरेशन बनने का जुनून रखना भी अपने आप में बहुत बड़ी इंस्पिरेशन होता है। और ऑब्वियस बात है, बिहार स्टेट से आप आए और आपने सच भी करके दिखाया। सही बात यह है कि आपने सच करके दिखा दिया। कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती और सूरज को प्रकाश की जरूरत नहीं होती है, और पानी पीने के बाद प्यासे को पानी की जरूरत नहीं होती है, वैसे के वैसा मामला यहाँ पर भी है प्रीति जी। लेकिन फिर भी ये 7 साल आसानी से तो नहीं निकले होंगे, है ना? बीच में जैसे आपने बताया कि 2019 में आप उत्तर प्रदेश जुडिशियल सर्विस के इंटरव्यू यानी कि फाइनल स्टेज तक पहुंचे और वहां से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, यानी कि पूरा समुंदर पार कर लिया, किनारे पर आके नैया डूब गई। दिल तो दुखा होगा ना, ऐसा थोड़ा है कि मन जो है दुखी नहीं हुआ होगा। सर बिल्कुल, बहुत एकदम आप फाइनल टच पे जाके फिर से आपको लगता है मुझे फिर से प्री से स्टार्ट करना है, उस टाइम भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा लगता है, मुझे भी थोड़ा सा बिहार जुडिशरी भी यूपी के बाद फिर बिहार ये टाइम आया था कि मैं अभी थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो गई थी, बट वो टाइम लगा कि नहीं मुझे अभी आगे। अच्छा, एक बात सच बताइएगा प्रीति जी, सच बताइएगा, क्योंकि ये मानव प्रकृति ह्यूमन नेचर है। जिस समय जिस दिन यूपी के इंटरव्यू का रिजल्ट आया था, अकेले में बैठकर आंखें अपने आप में नम हुई थी कि नहीं हुई थी? बिल्कुल सर हुई थी, बहुत थोड़ा लगे, बिल्कुल हुई थी। मैंने उम्मीद रखा था कि मुझे यहाँ सिलेक्शन मिलेगा, ऑल्दो मेरा फर्स्ट मेंस और इंटरव्यू था, बट बहुत उम्मीद थी मुझे उस रिजल्ट से, और कुछ फ्रेंड्स के हुए थे मेरे तो एक उनसे हाँ, मुझे मोटिवेशन भी मिलता है। ह्यूमन नेचर थोड़ा दर्द भी होता है कि यार उनका हो गया मेरा नहीं हुआ ये बात बिल्कुल फैक्ट है। लेकिन उस समय 2019 के अंदर यूपी की असफलता से जिस बंदी की आंखें नम हुई थी, अगर ये बंदी चाहती तो वहीं पर खुद को रोक सकती थी, लेकिन कुछ न कुछ तो रीजन ऐसा हुआ होगा, कुछ न कुछ इंस्पिरेशन ऐसा आया होगा कि इन्होंने वापस खुद को संभाला, खुद को मजबूत किया और वापस एक और अटेम्प्ट करने की तैयारी में लग गए। इसी बीच में कोरोना ने 2 साल और जो है हर वैकेंसी को आगे पोस्टपोन कर दिया, तो ये और आपके टफ टाइम को और टफ बना दिया गया, क्योंकि 2019 के बाद 2020 के अंदर कोविड का टाइम है जो आ गया था, वहां पे कोई वैकेंसी कंडक्ट हो नहीं रही थी, वो भी एक टफ टाइम रहा था। अच्छा, उस समय जब आपकी आंखों में आंसू आए हुए थे यूपी की फेलियर के बाद में, तो आंसुओं को खुद ने ही पहुंचा खुद की हिम्मत से, या फिर पेरेंट्स का भी वहां पे एक रोल रहा? जी सर, वहां पे मेरे पेरेंट्स का बहुत रोल रहा, मेरे फादर ने मुझे बहुत उस टाइम पे सपोर्ट किया कि नहीं ये फेलियर एक पार्ट है सक्सेस का, वहां पे आपको स्टेप करना है, ये एक स्टेप है, आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, फेलियर को से रुकना नहीं है, उससे सीखना है और हमें आगे उससे सीखकर उस चीज को रिजॉल्व करना है, जो भी कमियां रहेगी हमें उस कमी को लेकर हमें अफसोस नहीं करना है कि मेरा नहीं हुआ, उस कमी से सीखना है और हमें आगे बढ़ना है। तो वो चीज मैंने भी अपने अंदर ठान ली कि नहीं, जो भी मेरी कमियां रही मुझे उसको रिजॉल्व करना है, कहां मैं रह गई, मेरी कहां गलती रह गई थी, उस चीज को अपनी कमियों को दूर करने की कोशिश की एंड देन फिर मैं अपने प्रिपरेशन के लिए लग गई थी। मतलब एक लाइन में कहूं तो आपके फादर साहब ने आपसे ये कह दिया कि जो असफलता है, जो फेलियर है, वो आपकी सफलता की रणनीति तय करती है। क्या ये कहना सही रहेगा यहाँ पर, है ना?
मतलब फेलियर से हम लोग क्या करते हैं, सक्सेस की स्ट्रेटजी बनाते हैं, अब मेरे को इस तरीके से करना है, ये गलतियां वापस रिपीट नहीं करनी है। अच्छा, आपने कहीं किसी जगह पर अपनी कमियों को भी लिखा होगा प्रीति जी, कि भाई मेरे से ये गलतियां हो गई थी वगैरह वगैरह, क्योंकि जनरली देखा जाता है कि ऐसे जो ये सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं वो करते हैं, अपनी कमियों को नोट करके रखते हैं कि ये वापस रिपीट नहीं होना चाहिए। तो आपने भी कहीं की अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को, अपनी मिस्टेक्स को नोट डाउन किया था? जी सर, मैंने अपनी कमियों को नोट डाउन किया। मैंने मेंस में कहाँ गलती मेरी रह, कहाँ पे मेरी कमियां रही, इंटरव्यू में मुझे क्या करना चाहिए था इंटरव्यू के लिए, और मुझे कितना प्रिपरेशन करना है। और कहीं ना कहीं मैं यूपी जी से ये कहूँगी कि ऑल्दो बहुत कम टाइम मिल पाया था यूपी मेंस के लिए, वो मेरा फर्स्ट मेंस था, 20 से 25 दिन शायद मिले थे हमें यूपी मेंस देने के लिए। तो उस टाइम में हमने बहुत प्रिपरेशन भी किया था कि मुझे ये मेंस क्लियर करना है। कहीं ना कहीं वो फर्स्ट मेंस था सर, तो थोड़ा हम ये हो जाते हैं ना कि अपने माइंड को बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट कर लेते हैं। मैं एक ही बात कहना चाहूंगी कि एग्जाम देने से पहले हमें बिल्कुल पूरी नींद लेनी चाहिए, खुद माइंड को रिलैक्स करना चाहिए। मेरी एक ये गलती रह गई थी कि मेरा लास्ट पेपर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, जस्ट बिकॉज कि मेरी नींद, मतलब मैंने 2-3 दिन बिल्कुल ही अपना नींद सही कंप्लीट नहीं लिख लिया था उसको, कंप्लीट तो नहीं एक लास्ट पेपर मेरा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, जिसकी वजह से जो मेरी यूपी मेंस फाइनल रिजल्ट मेरा जो भी 20-25 नंबर से रह गया था कुछ, तो वो उसके लिए मुझे कभी ना कभी अफसोस होता है कहीं कि मैंने एक दो क्वेश्चन, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन करते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ आपको अपने माइंड को इतना कंट्रोल जरूर रखना है ताकि एग्जाम टाइम में आप प्रॉपर नींद लेके फिर एग्जाम देने जाएं, क्योंकि वो नींद की कमी जो है फिर आपकी प्रिपरेशन की भी कहीं कहीं जो है कमी बन जाती है ना। वो आप एग्जाम टाइम के आपको जितना आपका हुनर है उतना परफॉर्म नहीं कर पाते हो। और ये सच है प्रीति जी कि एक इंसान के पास टैलेंट है और अपने टैलेंट को जो है एक्सप्रेस नहीं कर पाए तो मन जो है बड़ा दुखी होता है, राइट? ओके, चलिए। अच्छा, यहाँ पर आपने एक जिक्र किया कि यूपी मेंस की जो कमियां थी, तो आप कहीं के स्टूडेंट को ये कहना चाहोगे कि भाई आप अगर किसी भी एग्जाम में फेल हो जाते हो तो अपनी मिस्टेक्स को जरूर नोट डाउन करो, क्या ये सजेशन आप अपनी तरफ से उनको देना चाहोगे? बिल्कुल देना चाहूंगी कि कहीं भी आपकी, आपको मेंस के मार्क्स आप देख रहे हैं, इंटरव्यू के मार्क्स देख रहे हैं, आपको जान लग रहा है कि मेरी कहाँ पे कमी है, किस पोर्शन में मेरी कमी है, उस पोर्शन को मतलब आप बार बार रिवाइज कर सकते हैं, बार बार प्रोसीजर में आपके कम मार्क्स आ रहे हैं, मतलब मिस्टेक्स को नोट डाउन हमें करना चाहिए, जो कि अपना आपका जरूरी पार्ट, हाँ वो करना चाहिए, बहुत जरूरी है। आप मैंने एक बार ये भी जाना था कि आप कुछ ऐसी टेक्निक इस्तेमाल किया करते थे कि सर जो आपकी मतलब कुछ खल्लास क्लासेस आप YouTube पे देखा करते थे, एक क्लास खल्लास टाइप का है ना वो आपको एकदम मैं आपको बताना चाहूंगा प्रीति जी से मेरी पहले भी एक दो बार फोन में बात हुई, बोले कि सर आपने ये नाम क्यों चूज किया, ये तो साउथ के विलेन जैसा नाम है, एक क्लास खल्लास है ना, तो अभी मुझे बताइए कि अभी भी वो साउथ के विलेन जैसा ही है या काम का नाम है? सर बहुत काम का वो वीडियोस हैं जो भी आपकी क्लासेस है, एक क्लास खलास, उनमें जो भी आप पढ़ा रहे हैं केसेस की एकदम एक शॉर्ट फॉर्म में बता रहे हैं, उसकी स्टोरीज बता रहे हैं, तो वो चीजें पता है कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में रह जाती है, और जब हम उस चीज को लिखते हैं या पढ़ रहे होते तो हम याद आते हैं, अच्छा तनसुख सर ने मुझे ये बात बताई थी कि हाँ ये इस केस का ऐसा फैक्ट है, इसका यहाँ पे ये बात बताई थी, और जो स्टोरीज या कुछ मोटिवेशनल लाइन आप बताते हैं ना वो याद रह जाती है हमें कहीं ना कहीं। तो अभी क्लासेस मैंने ली थी यूट्यूब पे जो कि बहुत बेनिफिशियल रही थी मेरे लिए। अच्छा, ये जो आप एक क्लास क्लास आप कह रहे थे, मतलब रात को सोने से पहले भी सुना करते थे आप, तो फिर तो सपने बड़े खतरनाक आया हुआ करते थे, नींद के अंदर भी क्लास वलास तो नहीं चल रहा है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। चलिए, तो कुल मिला के मतलब खल्लास क्लासेस भी कैंडिडेट्स के लिए काम की है, उनको उनको ऑब्जर्व करना चाहिए और टेक्निक को देखना चाहिए। अच्छा, एक बात और बताएं, आज के टाइम में जैसे मेरा पर्सनल मानना है कि टीचिंग जो है वो मोटिवेशन के बिना अधूरी है, एक ऑप्शन ये मेरा मानना है, और एक ओपिनियन ये भी है कि आप मोटिवेशन के चक्कर में क्लास का समय खराब कर देते हो, तो इन दोनों ऑप्शन में से एक, अब बीइंग अ जज आपसे पूछ रहा हूं, अब आप आपको स्टूडेंट तो कह नहीं सकते, एक जज के नाते आपसे पूछना चाहता हूं कि आपकी क्या राय, ऑप्शन वन ठीक रहता है आज के स्टूडेंट के लिए, ऑप्शन टू जो है वो ज्यादा बेहतर है? सर मेरे पर्सपेक्टिव से ऑप्शन वन सही है कि मोटिवेशन बहुत जरूरी है हमें आगे बढ़ने के लिए, हर चीज के लिए, कहीं भी। एक तो पहले आप जो फील्ड चूज कर रहे हो वहाँ भी आप कहीं ना किसी से मोटिवेट होते हैं, मेरे लिए भी मोटिवेशन रहे हैं, और कहीं कहीं आप जैसे पढ़ाई के ड्यूरिंग कहीं कहीं आपके नहीं हो पा रहा सिलेक्शन,
आगे फर्दर स्टडी के लिए, कहीं आप पढ़ाई से कहीं आप डाइवर्ट हो रहे हैं, तो एक मोटिवेशन जो है बहुत जरूरी है लाइफ में। मोटिवेशन से ही हम आगे बढ़ते हैं, उन चीजों से मोटिव, ये दूसरों की वीडियोस अगर देख रहे हैं, ये यूट्यूब के वीडियोस या कुछ, तो उनसे हमें बहुत आगे सीखने को मिलता है और हम मोटिवेट होकर फर्दर पढ़ाई करते हैं। तो यानी कि मैं ये मान लेता हूँ कि मैं पढ़ाते समय जो मोटिवेशन का तड़का लगा तो मुझे वो कंटिन्यू रखना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल रखना चाहिए। और चलिए अब बात करते हैं आपकी स्कूल टाइम की। मैंने सुना है स्कूल टाइम के अंदर आप, मतलब जो आपके स्कूल टीचर होते थे उनको बहुत ही इम्प्रेस करके रखते थे। मतलब ऐसा होता था कि सारा होमवर्क जो है सबसे पहले खड़े होके, सर मैं होमवर्क करके लाई हूँ, है ना, ऐसा ऐसा वैसा सीन हुआ करता था आपके स्कूल टाइम के अंदर रीति जी? जी सर, मैं ऐसी स्टूडेंट थी, मैं हमेशा टीचर्स की मैं फेवरेट ही रही, हमेशा से टीचर्स मैं पसंद करते थे और मैं भी खुद में ऐसा रखना चाहती हूँ कि हाँ मैं फर्स्ट आऊँ, होमवर्क मेरा कंप्लीट होना चाहिए कि टीचर्स को इम्प्रेस रखूं, टीचर्स खुश रहे मुझसे, ऐसा रहा है मेरा। मतलब देखो सुनने वालों सुन लो, अगर आप होमवर्क कंप्लीट करके लाते हो ना क्लास का, तो आप टीचर के फेवरेट स्टूडेंट होते हो, है ना, टीचर आपसे इम्प्रेस हो जाता है, इसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने है। प्रीति जी हाँ बोलो कि हाँ ऐसा होता है। ऐसा होता है। तो जैसे प्रीति जी स्कूल टाइम के अंदर एकदम अपने टीचर के इम्प्रेसिव स्टूडेंट रहा करते थे, सारा होमवर्क बढ़िया से करते थे वगैरह, तो आप लोगों को भी करना चाहिए। प्रीति जी बात करें आपकी मम्मा की, आपकी मम्मा कहने को तो होम मेकर है, हाउस वाइफ है, लेकिन आपकी लाइफ में उनका एक स्पेशल रोल रहा है एक डॉटर होने के नाते भी, तो वो रोल क्या था, अपने शब्दों में उसको कैसे बयां करोगे, एक माँ का बेटी की सफलता में कैसा रोल रहा? सर मैं ये कहूंगी कि मेरी माँ एक मेरे लिए एक ढाल बनकर थी। वो सोसाइटी ये है कि अब एज हो जाती है लड़कियों की कि हाँ अब शादी करनी है, सोसाइटी का भी प्रेशर आता है, बट इन सब के लिए मेरी माँ हमेशा मेरे लिए ढाल रही कि नहीं सुनना है तो मैं सोसाइटी क्या बोल रही है, क्या एज हो रही है, लड़कियां ये वो, सोसाइटी का काम है बोलना, वो बोलेंगी, उनको सुनना नहीं है, तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें अपना गोल करना है, गोल जो है उस पर अचीव करना है, नहीं सुनना है तुम्हें ये सब बोल लोग कहते हैं ना कि लोगों का काम है कहना, लोग तो कहेंगे ही, तो बस मेरी माँ एक मिनट डाल रही थी। मतलब आपकी मदर जो है वो सोसाइटी के जो भी रिमार्क्स आते थे उनको इस तरीके से आगे खड़े करके रुक जाती थी और उनको अपनी बेटी के माइंड तक पहुंचने ही नहीं देते थे, है ना, ऐसे ऐसे कुछ सीन कह सकता हूं मैं, चाहे वो शादी को लेकर हो चाहे किसी बात को लेकर हो। ओके, तो कुल मिला के माँ का ये जो एक रोल होता है, क्योंकि ये इसमें माँ को बड़ा टफ बनना पड़ता है। अच्छा एक चीज आपसे और मैं जानना चाहता हूँ, अब मैं थोड़ा सा इमेजिनेशन कर रहा हूँ कि मैं आपकी जगह हूँ, एक प्रीति जी की जगह मैं हूँ, मेरे इंटरव्यू का डेट फाइनल हो चुका है और कल मुझे इंटरव्यू देने जाना है, मैं इंटरव्यू के प्लेस पर पहुंच चुकी हूँ, ओके, और बाहर का जो वेटिंग हॉल होता है मैं वहां पर बैठी हूँ, अब मुझे बताओ अब आगे की फीलिंग क्या थी आपकी? जब आप इंटरव्यू देने गए थे उस समय आपका फील क्या था? यस सर, उस टाइम तो ऑब्वियस है, नर्वस थे सब, नर्वस है, नर्वस होना एक ह्यूमन नेचर भी है, हम ये नहीं कहेंगे हम नर्वस नहीं थे, वो तो बिल्कुल ही नहीं कह सकते कि नर्वस नहीं थे, मैं भी नर्वस थी, हेजिटेट थी थोड़ा सा, बट हाँ उस नर्वसनेस को मैं कहीं ना कहीं अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया, नर्वस थी मैं बट अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, ना इंटरव्यू बोर्ड में ना वहाँ पे, और जो भी पढ़ना था मैं अंदर कुछ बुक्स नहीं, अपना जो भी था फाइनल टच हो गया मेरा, अब मुझे बस बात करना है उनसे, इंटरेक्ट करना है, जो भी मैंने आज तक पढ़ा है, जो मेरा नॉलेज है बस यही। अच्छा, आप इंटरेक्शन करना है उनके साथ। यस, मैं थोड़ा इसको पॉइंट्स में कन्वर्ट करूं, तो आप इंटरव्यू के प्लेस पर बुक्स लेके नहीं गए थे, करेक्ट? नहीं, बिल्कुल। ओके, आप जो है वो दूसरे कैंडिडेट्स को ऐसे उसे देख के प्रभावित तो नहीं हुए थे, करेक्ट? नहीं हुए थे, उल्टा दूसरों को किया तो नहीं था, क्योंकि मुझे अभी तक याद है आरजेस का एक सीन मैं आप सभी को याद दिलाना चाहूंगा, आरजेस के मॉक इंटरव्यू के जब वीडियो चल रहे थे तो उसमें आप भी थे प्रीति जी, राइट, जो मैं वीडियो सेशन कुछ कंडक्ट कर रहा था ना, हाँ, तो उसमें जो मॉक इंटरव्यूज के ट्रेनिंग सेशन चल रहे थे उसमें ज्योति जी भी, प्रीति जी भी थे, और प्रीति जी उस समय जो ना एक चुलबुले कैंडिडेट थे, चुलबुले कैंडिडेट समझते हो कि जो जवाब देते हैं और सामने वाले को पहले चुप करा के जवाब देते हैं, तो वो वहां मुझे लगता था कि यार ये बंदी बेचारे बोर्ड का क्या क्या कर देगी मुझे समझ में नहीं आएगा, और वहां कहीं तो आपने
वहां पर जब आप इंटरव्यू के अंदर गए तो एकदम शांति वांति माहौल ही रखा है, या वहां पर भी आपने बोर्ड को जो एक बार शांति धारण करवाई कि सर मैं बोलूंगी पहले फिर आप अपना सवाल है जो पूछिएगा? नहीं सर, खुद रिलैक्स। अच्छा चलो अब एंटर करते हैं कि अब मैं एंटर कर रहा हूँ इंटरव्यू बोर्ड के अंदर। सामने बोर्ड बैठा है, कितने मेंबर्स थे आपके सामने? 4 मेंबर्स थे। 4 मेंबर्स के, है ना? कोई फीमेल मेंबर भी था? यस सर, एक फीमेल मेंबर थी। और आपने ड्रेसिंग क्या पहन के गए थे? मैं सलवार सूट पहन रखा था, सलवार व्हाइट कलर का। ओके, और फुटवेयर कौन से कैरी किए थे? फुटवेयर मतलब हाँ, और ब्लेजर ऊपर से डाल रखा था। ब्लेजर पहन रखे थे। और आपने नीचे जो भी आपने सूट का नाम बताया मेरे को समझ में नहीं, सुनाई नहीं दिया, टेक्निकल आवाज कट गई। फुटवेयर कैसे पहन रखे थे आपने? ब्लैक कलर की बेली। तो ये सारे कैंडिडेट सुन लीजिए, ये एक फॉर्मल ड्रेसिंग होता है, क्योंकि आप अक्सर दूसरों से पूछते रहते हो ना इंटरव्यू में क्या पहन के जाएं, तो जज साहिबा खुद बता रही हैं कि ये पहन के जा सकते हैं। ओके, तो अब मैं पूरा जो भी है व्हाइट सूट वो ब्लैक कलर का ब्लेजर और ब्लैक कलर की फुटवेयर वेली वेली है जो भी कैरी करके अंदर जाके बैठ गए। तो आपने जाते ही पहले पूछा कि सर मे आई सिट, या उन्होंने खुद ही कह दिया कि बैठ जाइए? नहीं, पहले मैंने उनसे पूछा, फिर उन्होंने मुझे परमिशन दिया बैठने के लिए। और मैं फर्स्ट कैंडिडेट थी मैं वहां पे, मेरे इंटरव्यू बोर्ड जब। अच्छा, कहा जाता है कि इंसान की जो हार्ट बीट होती है वो 70-80 ऐसे कुछ आसपास रहती है, तो उस समय आपकी 2x मान लूं मैं या 3x मान लूं? 2x थी, थोड़ी थी मेरी पहले, 2x मान लेते हैं। तो वहां पर बोर्ड ने कुछ कहा कि बेटा इट्स ओके, रिलैक्स हो जाओ, कोई बात नहीं, ऐसा कुछ कहा उन्होंने? कंफर्टेबल फील कराया आपको? हाँ, कंफर्टेबल फील कराया। मैं फर्स्ट कैंडिडेट थी इंटरव्यू बोर्ड उस दिन के। अच्छा, सेकंड शिफ्ट के फर्स्ट कैंडिडेट थी मैं, तो वो चाहते हैं जब मैं बैठ गई तो उन्होंने सिंपली बोला कि बी कंफर्टेबल, हम बस आपसे इंटरेक्शन कर रहे हैं। तो तब मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गई और हमारी एकदम नॉर्मल टॉक ऐसी जैसे हम बात कर रहे हैं ऐसी होने लगी। ओके, तो सभी कैंडिडेट सुन लो, ये जो आप नर्वस होके इतना खुद भयंकर बना लेते हो ना खुद को, इतना भयंकर मत बनाओ। इंटरव्यू बोर्ड के अंदर भी जो है ह्यूमन बीइंग ही बैठे हैं, और जैसा आप देख पा रहे हैं कि बिहार जुडिशरी के अंदर भी जब गए थे प्रीति जी इंटरव्यू देने के लिए, तो उनको पहले आराम से रिलैक्स कराया गया ताकि एकदम जो इनका 2x का हार्ट बीट है वापस 1x पर आ जाए। ओके, और फिर उनसे जो इंटरेक्शन है स्टार्ट किया। अच्छा, कुछ सवालों के बारे में बताइए कि किस तरह के सवाल आपसे जनरली पूछे गए थे इंटरव्यू के अंदर? सर पहले तो उन्होंने यही पूछा था कि आपकी LLB कब कंप्लीट हुई, LLB के बाद आपने इन बिटवीन अभी तक क्या कर रहे थे, प्रेजेंट में आप क्या कर रहे हैं। और इन क्वेश्चंस के बाद फिर उनका मेनली क्वेश्चन मेरे ऑप्शनल्स में गया था, जो मेरे ऑप्शनल थे बिहार में फैमिली लॉ, कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉट, कमर्शियल लॉ, तो इनमें क्वेश्चंस जो मेरे ज्यादा रहे थे उनमें। और फेवरेट सब्जेक्ट उन्होंने पूछा जो कि मेरा फैमिली लॉ था, तो उनमें हुए थे। और कुछ क्वेश्चंस प्रोसीजर्स के रहे थे CRPC से, और IPC के कुछ क्वेश्चंस रहे थे, और लास्ट में जो हमारे ऑनरेबल जस्टिस से उनका क्वेश्चन रहा था मेरे कोर्ट के एक्सपीरियंस को, कि आप कोर्ट गई हैं तो कितना टाइम रहा था कोर्ट में, कोर्ट से आपने क्या सीखा, तो वो कोर्ट का एक्सपीरियंस हमारे ऑनरेबल जस्टिस ने मुझसे पूछा था। कोर्ट का एक्सपीरियंस आपने, मतलब जो प्रैक्टिसिंग एक्सपीरियंस है वो आपसे जानना गया। अच्छा, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि बिहार जुडिशरी का जो मेन एग्जामिनेशन होता है उसमें आपको ऑप्शंस में से सेलेक्ट करना होता है। आप बिजनेस एंड कॉमर्शियल लॉ को सेलेक्ट करते हो, कंपनी लॉ को सेलेक्ट करते हो, ऐसे ऑप्शन होते हैं। आपने कौन से ऑप्शन को चूज किया था और क्यों चूज किया था, आप बता पाएंगे प्रीति जी? जी सर, मेरे ऑप्शन फैमिली लॉ, कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉट एंड कमर्शियल लॉ, जिसमें कि पार्टनरशिप, कंपनी लॉ, नेगोशिएबल, ये सब्जेक्ट्स है। तो एक तो फैमिली लॉ मेरा सर फेवरेट सब्जेक्ट रहा था हमेशा से, तो वो चूज किया था मैंने। और कॉन्ट्रैक्ट टॉट और पार्टनरशिप, नेगोशिएबल और बाकी स्टेट्स के जो भी मेंस दिए थे उनमें ये कॉमन थे, तो उनके लिए मैं प्रिपेयर थी अच्छे से, इसलिए मैंने उनको चूज किया। अच्छा, मतलब कहें कि आपने भी यहाँ पर भी ये जो अपनी स्ट्रेटजी अप्लाई की कि जो आपके लिए कॉमन टाइप का सिलेबस है, जो कई दूसरे स्टेट की तैयारी के अंदर भी आपने ऑलरेडी तैयार कर रखा था, क्योंकि आपके कॉन्ट्रैक्ट लॉ वगैरह जो है वो सब बेसिकली कॉमन चीज है, तो आपने इसीलिए कंपनी वगैरह लॉ को चूज नहीं किया, क्योंकि वो बिल्कुल आइसोलेटेड हो जाता है कहीं कहीं, क्योंकि कंपनी लॉ कमर्शियल लॉ में है सर, तो कंपनी लॉ भी मैंने अपने LLB के ड्यूटी में पढ़ा था, तो कंपनी लॉ मेरा क्लियर रहा था, तो ये चूज किया था। ओके, देन गुड। तो कुल मिला के जो सिलेबस आपके कॉमन का रहता है उसी ऑप्शन को आप चूज करना चाहिए आपके पेपर के अंदर। अच्छा, तो CRPC में उन्होंने कुछ ज्यादा ऐसे किसी सेक्शन वाइज सवाल पूछे कि इसका सेक्शन बताओ या ये सेक्शन इसका क्या होता है, ऐसे भी सवाल जवाब थे? नहीं, सेक्शन वाइज क्वेश्चंस नहीं थे, ऑल्दो थोड़े प्रोसीजर थे क्वेश्चंस, और जैसे
एडिशनल सेशन जज और असिस्टेंट सेशन जज के पनिशमेंट के क्या डिफरेंसेस थे, आईपीसी के पनिशमेंट्स के रिगार्डिंग क्वेश्चंस थे, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी थे जो मैं रिकॉल नहीं कर पा रही थोड़ा भी। हाँ, प्रैक्टिकल क्वेश्चन इस तरह के कि मिस्टर ए है, यहाँ जाता है, फिर ये होता है वगैरह, उस टाइप के प्रैक्टिकल क्वेश्चन, एक हाइपोथेटिकल इलस्ट्रेशन बनाकर। हाइपोथेटिकल नहीं, लाइक अगर एडिशनल सेशन जज इतना, उनकी इतनी पावर है तो क्या वो इनसे कम दे सकते हैं, तो क्या असिस्टेंट सेशन जज भी इतना दे सकते हैं, तो उनमें ही थोड़ा उलझाने की कोशिश कर रहे थे वो। ओके, उलझाने की वहां पर बैठती थी तो मैंने उस चीज को टैकल कर लिया था। ओके okay. अच्छा, अब आपसे एक मेन सवाल पूछता हूं मैं। कहते हैं कि इंटरव्यू के अंदर हमको थोड़ा सा कहते हैं क्विक रिकॉल करना पड़ता है, क्विक रिकॉल करने के लिए माइंड में अगर कुछ लिंक हो तो अचानक क्विक रिकॉल हो जाता है। तो अब मुझे बताओ कि आपका जो पढ़ाई का एप्टीट्यूड रहा है लिंकिंग लॉ को लेकर, वो कैसा रहा, उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा, मतलब आज के टाइम में क्या ये वाकई में वर्कआउट है या इट्स सो सो है, पता है? नहीं सर, बहुत बेनिफिशियल रहा लिंकिंग लॉज के वीडियोस, जो भी मैंने आपकी क्लास वाली क्लासेस, जो जैसे कि क्या है ना, हम कभी पढ़ते बुक से पढ़ रहे होते तो कभी बोर हो गए, तो एक आपकी वो फुल क्लास देख ली ना, तो लगता है कि चलो मैंने पूरा रिवाइज कर लिया एक बार में, और केसेस वगैरह वो रिवाइज हो जा रहे हैं मेरे। और मैंने आपके इंटरव्यू सेशंस के मतलब वीडियोज भी देखे थे, जो कि मुझे बहुत कॉन्फिडेंट मुझे फील हुआ कि नहीं मैं भी कर सकती हूँ, मैं भी निकाल सकती हूँ। अच्छा, पढ़ते समय चीजों को जैसे कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट है, तो आप कभी उसको लिंक भी क्या करते हैं कि अच्छा हाँ यहाँ पे ये गरीब व्यक्ति का ऑर्डर 33 सीपीसी है, तो 304 में लीगल एड है, कॉन्स्टिट्यूशन में 39 ही है, इस तरीके से लिंकिंग विंकिंग किया करते थे, टेक्निक को अप्लाई करते थे? हाँ जी सर, मैं रिलेट करती थी कि अच्छा ये सेक्शन यहाँ है तो इसका रिलेशन रिलेट दूसरे सेक्शन से, ये सब कर पा रही थी, तो कहीं कि उसको हम मतलब उसको यूज कर सकते हैं ताकि मेमोरी के अंदर वो क्विकली रिकॉल है जो हो सके। ओके अच्छा, अब एक बात बताएं कि आपका ये तो रहा आपका बोर्ड का एक्सपीरियंस, जब आप इंटरव्यू देख के बाहर आए आपको क्या लगा, सिलेक्शन हो जाएगा या मन में था कि हे भगवान पीछा छूटा, अब जो होगा जाएगा, ऐसा कुछ? नहीं सर, मैं कॉन्फिडेंट थी, मेरा इंटरव्यू सही हुआ था, अराउंड 15 मिनट्स मेरा इंटरव्यू चला था, और उसके बाद जब मैं बाहर निकली तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी कि नहीं मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ, मेरा सिलेक्शन होना चाहिए, मेरा सिलेक्शन होगा, ये मैंने माना था कि नहीं इंटरव्यू तो मेरा बहुत सही हुआ, और अपने आप को मैंने एक मान लिया था सक्सेसफुल कैंडिडेट कि हाँ नहीं मेरा सिलेक्शन होना है इस बार। राइट अच्छा, मेंस की बात करते हैं, आपको बिहार के मेंस की तैयारी के लिए कितना समय मिला? सर बिहार की मेंस की तैयारी दिस टाइम तो मुझे काफी डिले हो गया था कोरोना की वजह से, तो टाइम तो खैर इस टाइम काफी मिल गया था, जो कि काफी सही रहा था, अच्छी प्रिपरेशन कर पाई थी मैं, और 2019 में कहूंगी कि हाँ उस टाइम पे मेरा सेकंड मेंस था आफ्टर यूपी, तो यूपी से भी मैंने बहुत कुछ सीखा था, जहाँ भी जो भी मैंने गलतियां की थी यूपी मेंस में, तो उन गलतियों को अपना कमी को दूर करके मैंने बिहार मेंस के लिए अलग स्ट्रेटजी उसको बनाई और उसको टैकल किया बिहार में। अच्छा, आप खुद के नोट्स बनाया करते थे प्रीति जी? जी सर, मैं खुद के नोट्स बनाती थी, मैं क्या करती थी जो भी लास्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे बिहार मेंस में, जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आया। अच्छा, मेरे पास एक कॉल आ रहा है प्रीति जी एक कॉल आ रहा है कि सर प्रीति जी के नोट्स की बोली लगवा लो ऑक्शन में। हाँ, मैं पूछ के बताता हूँ प्रीति जी, क्या क्या इरादा है आपका, मतलब आपके जो आपने नोट्स बना रखे हैं उनकी बोली लगाने के लिए मेरे पास खरीदार तैयार बैठे हैं, तो क्या आप अपने नोट्स बेचना चाहोगे? सर मैं ये नहीं सर, वो मैं नहीं दूंगी, कि खुद को बनाने चाहिए, अपने नोट्स खुद बनाने चाहिए, क्योंकि वो आपकी प्रिपरेशन का पार्ट है, आप जो भी क्वेश्चंस देख रहे हैं अपने लैंग्वेज में आप उसको लिख रहे हैं, और आप अगर लिख रहे हैं तो वही चीज आप मेंस एग्जाम में भी वही लिखेंगे जो आप अभी लिख रहे हैं, तो अपने नोट्स खुद प्रिपेयर करना चाहिए, दूसरे के नोट्स पे नहीं हो पाएगा, अपना खुद। तो आप जितने भी खरीदार हैं ध्यान से सुन लें, इनडायरेक्टली मैम ने मना कर दिया है कि आप जो है अपना केस खुद लड़े, मैं आपके केस में वकील नहीं बनूंगी और मेरी फाइल में आपको नहीं दूंगी। ओके, वैसे बात तो सही है, देखो खुद के हाथ से लिखोगे तो सीधी सी बात है लंबे समय तक कुछ चीजें याद रहेगी, है ना। हम भी क्या करते हैं अपूर्ति जी, हम लोग कहीं पे जैसे प्लस क्लास वगैरह में ना किसी सेक्शन का एकदम डायग्रामेटिक पोस्टमार्टम करते हैं, आपने तो खैर यूट्यूब पे ऑब्जर्व किया भी होगा कई चीजों को, तो उसमें क्या होता है एक डायग्राम बन जाता है, उस डायग्राम से आप उस सेक्शन की सारी बातों को आसानी से रिकॉल कर पाते हैं, तो वो जब काम है ना हमारा 10 मिनट का काम हमारा 1 मिनट के अंदर वहां पे हो सकता है,
तो मैं बस इसमें थोड़ा सा एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखता हूँ कि नोट्स बनाने चाहिए, लेकिन नोट्स डायग्रामेटिक बनाएंगे तो ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि टेक्सचुअल नोट्स तो आपको बेरेट में दे रखे हैं, टेक्सचुअल जो बातें हैं वो तो आपको बेरेट में ऑलरेडी लिखी हुई है। हमें अपने नोट्स को कहेंगे जो डायग्रामेटिक कन्वर्ट करना चाहिए। आप एग्री करते हो इस बात से? जी सर, बिल्कुल एग्री करती हूँ। हम जो डायग्राम बनाते हैं ना, वो कहीं ना कहीं हमें याद हो जाती है और डायग्राम से हम रिलेट कर पाते हैं चीजों को आसानी से, वरना टेक्स्ट बुक तो हम जो पढ़ते हैं वो सब जगह थोड़ा रहता है कि चलो ठीक है वो सेम हमने लिख लिया, बस डायग्राम से रिकॉल करना बहुत आसान रहता है और हम उससे रिलेट भी कर पाते हैं। जैसे आपके साथ लिंकिंग लॉ के चार्ट्स होते हैं, वो भी बहुत बेनिफिशियल होते हैं। अच्छा, आपको जानकारी है उसके बारे में? वेरी गुड, लिंकिंग लॉ के चार्ट्स, ओके। आपने देखे कहीं उनको, या सिर्फ यूट्यूब पर देखा था, या फिर एग्जाम के चक्कर में क्योंकि मंगवा नहीं पाए ऐसा कुछ हुआ? यूट्यूब पे देखा था और अपनी फ्रेंड से मुझे मिला था थोड़ा सा, तो मैंने वो देखे थे अपनी। और नहीं, मैं इसमें थोड़ा सा गहराई में जाना चाहूंगा, फ्रेंड से क्या हुआ? आप इस बताइए। मैंने अपने फ्रेंड से लिंकिंग लॉ चार्ट देखे थे, तो उनसे मैंने थोड़ा पढ़ाई की थी। ओके, फ्रेंड्स के यहाँ पर लिंकिंग लॉ के चार्ट आपने देखे थे, चलिए कोई बात नहीं। तो मतलब कहीं के देखो, उससे एक्चुअली मैं आपको बात बताना चाहता हूँ प्रीति जी, ये लिंकिंग चार्ट्स है ना, ये मेरी खुद की स्टूडेंट लाइफ का एक आउटपुट है। उस समय मैंने इनके सबको एक मैनुअल प्रिंट आउट निकाले थे। टीम आप मुझे एक अवेलेबल करवाएं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ आपकी, शायद आपने जज बनने के बाद उसकी फुर्सत में देख नहीं पाया होगा, मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। ये बात है 2012-13 की, ओके, जिसमें हम जवान हुआ करते थे, युवा हुआ करते थे, अभी तो बुढ़ापा आ गया है ना। तो अब देखिए, ये वो चीज है, ये क्या है, ये वो मैनुअल चीज है जिसको मैंने खुद अपने तरीके से तैयार किया। इसमें सारा जो आपको दिख रहा है ना, वो सारा सेक्शन है, पूरा का पूरा सीपीसी का कंप्लीट सिनेरियो है, और एक एक पेज को प्रिंट आउट करके इसमें चिपकाया अलग से। अब इसी चीज को मैंने क्या कर दिया, थोड़ा सा कन्वर्ट कर दिया उसको एक यूट्यूब फॉर्मेट, मतलब प्रॉपर प्रिंटेबल फॉर्मेट में, और सबने उसमें लिंकिंग मेंशन कर दिया, ताकि कोई भी कैंडिडेट जब उसको पढ़े तो उसको फील कर पाए, उसको यूज कर पाए। और सबसे अच्छी बात पता है क्या होती है प्रीति जी, आपके स्टडी रूम के अंदर एक पॉजिटिव वाइब्स आती है ना, आते ही लगता है। रूम में ही ये चार्ट देखी थी फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम मैंने आपके यूट्यूब वीडियो में देखे थे, फिर अपने फ्रेंड के रूम पे गई थी ना, उसने भी ये चार्ट लगा रखी थी। तो आपके मन में पहला सवाल क्या था, यार इतनी पढ़ाई करती है, था या नहीं था ऐसा कुछ सवाल? हाँ, वो ये दिमाग में आया, और फिर मैंने चार्ट जब देखा तो मैंने कहा ये तो बहुत बेनिफिशियल है चार्ट, तो रिलेट करने के लिए, डिवाइन को याद करने के लिए, खुद को बार बार अगर हम देखें उस चार्ट को अपने रूम में, तो वो बार बार हम रिकॉल कर पा रहे, रिवाइज कर पा रहे उस चीज को, तो वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में याद रह जाती है। चलिए, बस यही हमारी भी यही इच्छा है कि हर कैंडिडेट तक ये चीज पहुंचे और उसको यूज कर पाए, बेनिफिट है जो ले पाए। प्रीति जी, अब कुछ आखिरी मोड पे चलते हैं इंटरव्यू के अंदर, प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी हमें प्रीलिम्स के साथ साथ करनी चाहिए, या मेंस की तैयारी को प्रीलिम्स का एग्जाम क्रैक करें उसके बाद ही स्टार्ट करना चाहिए, इसमें आपके क्या ओपिनियन है? सर, मेरा ये है कहना है कि प्रीलिम्स और मेंस का प्रिपरेशन साथ साथ करना चाहिए, क्योंकि मेंस साथ साथ करना चाहिए, प्रिपरेशन करें तो डेफिनेटली प्रीलिम्स के लिए वो हेल्पफुल है। और जरूरी नहीं कि आपको मेंस के लिए ज्यादा टाइम मिल पाए, जैसे कि मैं अपना फर्स्ट एक्सपीरियंस बता रही हूँ यूपी जुडिशरी का, कि मुझे 20-25 दिन मिल पाया था मेंस के लिए, बट मैंने मेंस की प्रिपरेशन पहले ही कर रखी थी कहीं ना कहीं, तो इसलिए मुझे ज्यादा परेशान नहीं, दिक्कत नहीं आई, ज्यादा परेशानी वहां पे नहीं आया, आप उसको मैनेज कर पाए इस चीज को लेकर, साथ ही करना बेहतर रहेगा। ओके, अच्छा एक और सवाल, क्या आप अपने सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल के अपने टेबल के सामने रखा करते थे क्या? जी सर, मतलब मुझे खुफिया सोर्सेस से ऐसी न्यूज मिली है कि प्रीति जी ऐसा किया करते थे, वो क्यों ऐसा क्यों करते थे, मतलब रोज सिलेबस को एक बार देखते थे, अच्छा हाँ तू है मेरा जानी दुश्मन, तेरे को मैं छोड़ूंगी नहीं, मतलब रोज खुद को इस तरह से मोटिवेट करने के लिए। जी सर, वो देखो ये भी जरूरी होता है, जो आपका दुश्मन है, माफी चाहूंगा, जो आपका सिलेबस है उसको अपने सामने रखो और डेली ये सोच करो कि आपकी प्रोग्रेस अब कहां से कहां तक है जो पहुंची है। वैसे इसका मैंने एक अलग इलाज भी निकाला है, ये जिस लिंकिंग चार्ट की अपन बात कर रहे थे ना प्रीति जी, उसके अंदर मैंने इस बार जो नया एडिशन है उसमें हर एक मेजर लॉ का एक बर्ड व्यू दिया है, जो कि एक सीक्वेंस में चलता है, कहां से स्टार्ट करके कहां तक जाना है, तो कैंडिडेट जहां तक पहुंचा है वो खुद को हाईलाइट करता हुआ चलेगा कि ये हो गया, ये सेगमेंट हो गया, ये सेगमेंट हो गया, तो उसको एक पिक्टोरियल फॉर्मेट में, एक डायग्रामेटिक फॉर्मेट में अपनी परफॉर्मेंस भी पता चल जाएगी, उसने यहां तक कवर कर लिया है, ये पेंडिंग है, ये पेंडिंग है, वो पेंडिंग है, तो एक कोशिश किया है, स्प्रेड देखते हैं उसका फायदा भी उसको जरूर मिलेगा। अच्छा प्रीति जी, आपने कहा कि सर आप ऑनलाइन वीडियोज वगैरह से मोटिवेट हुआ करते थे, बूस्टअप हुआ करते थे,
तो कुछ ऐसा कुछ प्रमाणिक कुछ लाइन वाइन सुना दो कि जिससे लगे कि हाँ भाई आप वाकई में हमारे वीडियो वीडियो देखा भी करता थे उस संबंध में। जी सर, आपके लाइंस तो मैं हमेशा याद रखती हूँ। कुछ लाइंस तो बहुत दिल को टचिंग थे और बहुत मोटिवेट करते थे। जैसे एक मैं रिकॉल कर पा रही हूँ कि रुके ना तू, झुके ना तू, चला चले अतीत के अतीत के प्रमाण से प्रमाण भविष्य से भविष्य। के निर्माण तक। अरे ये वाह, ये लाइन लाइन आपने मुझे हमेशा मोटिवेट किया, ये लाइन ने मुझे, कि नहीं रुकना नहीं है, हमेशा आगे बढ़ना है। फेलियर है उस वो एक पार्ट है सक्सेस का, और मुझे सक्सेस को अचीव करना है, अपने गोल को अचीव करना है। क्या बात है, मतलब मुझे इस लाइन का कॉपीराइट करवा लेना चाहिए, है ना। बिल्कुल सर, चलिए, तो ये हमारे बीच में मुलाकात थी हमारे बिहार राज्य की एक ऐसी कैंडिडेट जिसने 2016 में एनएलबी करने के बाद, देखो ये चाहते ना तो 2019 में रुक सकते थे, इनके पास एक्सक्यूज था, इंटरव्यू तक लड़के सेलेक्ट नहीं हो पाए और उसके बाद कोविड आ गया, ये चाहते थे बहाना कर सकते थे, बट इस बंदी ने बहाना नहीं किया, है ना। तो आपको क्या लगता है, इस मन से क्या उनके लिए लिंकिंग सैल्यूट नहीं बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए, और ये स्पेशल सारे लॉ लिंकर्स की तरफ से आपके लिए लिंकिंग सैल्यूट है प्रीति जी। ऐसे ही सर जिंदगी के अंदर आगे बढ़ते रहो, ईश्वर से ये प्रार्थना है कि कम से कम हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जज से रिटायरमेंट की खबर हमारे तक पहुंचे, है ना। सर, मेरी कोशिश रहेगी हमेशा। बहुत ही आप बहुत ही प्यारे, बहुत ही सिंसियर डिसिप्लिन स्टूडेंट हैं, और वाकई में प्रीति जी मैं कहना चाहता हूं कि जितनी कहते हैं ना कि जितना एक भक्त को भगवान की जरूरत होती है उतना एक भगवान को भक्त की जरूरत होती है, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से जुडिशियल एस्पिरेंट को एक जुडिशियल पद पे पहुंचने की जरूरत है, उसी तरीके से देश को उस खाली पड़े उस वैकेंट जुडिशियल पद को एक होनार एलिजिबल जुडिशियल ऑफिसर से भरने की जरूरत है जो होती है। ओके, तो मैं दिल से आज आपको धन्यवाद भी करता हूं, क्यों, क्योंकि आपने अपने संघर्ष के बावजूद भी अपनी लाइफ को रुकने नहीं दिया, और इसीलिए ये दो लाइनें मेरी जुबानी आपके लिए कि रुकेगी नहीं तू झुकेगी नहीं, रुकेगी नहीं तू झुकेगी नहीं, जिंदगी के हर बहाव में तू चलती रहेगी, क्योंकि तुम्हारा नाम है प्रीति जी, और जिसका नाम प्रीति जी होता है वो प्रेम भाव से दुनिया की हर समस्याओं को अपने साथ में लेके चल सकता है, उन पे काबू कर सकता है और जीत भी सकता है। तो चलिए प्रीति जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और उम्मीद करते हैं एक फेस टू फेस मुलाकात भी आपसे जरूर होगी, और हमारे गुलाब जामुन भी पेंडिंग पड़े, याद है ना आपको, याद है कि भूल गए हो। बिल्कुल याद है सर, चल किया। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच। चलिए प्रीति जी, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम थैंक अहेड इन द यू। फ्यूचर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन।